शट अप। तुम्हारे जैसे हजारों बच्चों को सिखाया है मैंने, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता क्या होती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रैगिंग छोड़ के पढ़ाई पे ध्यान दो रास्कल। मैं आई कमिन सर। कमिन रशीद। सर ये इंपॉर्टेंट स्कैंडल है। पॉलिटिशियन है क्या? होम मिनिस्टर है। जरा लगाओ तो। ओके सर। शरद भाई, मेडिकल सीट देने से पहले हम कैंडिडेट से पर्सनली मिलते हैं, उसके बाद अगर मन किया तो सीट दे देते हैं। सर ये लड़की कॉलेज में नंबर 1 आई है, सीटी की परीक्षा भी दी है, नंबर थोड़ा कम आए हैं इसलिए मेडिकल में इसे सीट नहीं मिली। सुबह से एक बार कितनी बार बोलेगा, अब ज्यादा पका मत। आपको याद दिला रहा हूँ सर, भगवान के लिए मेरी बेटी को मेडिकल सीट दिला दीजिए, आपकी मेहरबानी होगी। मैं अपनी गाँव की जमीन आपके नाम कर दूंगा, इससे ज्यादा मेरी देने की हैसियत नहीं है। शरद भाई, तुम्हारी जमीन लेके मैं मेडिकल सीट दिलाऊं तो भगवान को क्या बोलूंगा? देखो शरद भाई, लड़की तुम्हारी होनहार है। देखो शरद भाई, लक्ष्मी और सरस्वती दोनों साथ में रहे तो अच्छा ही होता है। देखो तुम्हारी बेटी को मेडिकल सीट देने वाले यही बैठे हैं। सारे मेडिकल कॉलेजेस इनके हाथ में है। मिनिस्टर साहब अभी इसका इंटरव्यू लेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, इससे तू चल मेरे साथ आ। तुझे मेडिकल में सीट चाहिए पर तू उसके बदले मुझे क्या दे रही है? ये इम्पोर्टेंट है। अभी दे दे, अभी दे, अभी दे दे, तुझे सीट दे दूँगा, अभी दे दे, अभी। सर प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। तुझे मेडिकल सीट चाहिए कि नहीं? अभी दे दे, सर ऐसा मत कीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं सर, नहीं, नहीं सर, सर प्लीज छोड़ दीजिए। सीट ले ले। मैंने कहा ना, तुझे सीट चाहिए ना? अच्छी सीट है ये। मैं तुझे डॉक्टर बना दूंगा। आजा, अरे कहाँ जा रही है? रुको। बास्टर्ड, वल्चर्स, ऐसे लोगों ने हमारे देश को खोखला कर दिया है। रशीद सर, बहुत सावधानी से इस वीडियो टेप का प्रिंट निकालकर और उसको कवर करके लैपटॉप में कॉपी कर दो। हाँ, और एक खास बात, कवर पेज में लड़की का मुंह नहीं दिखना चाहिए, धुंधला कर दो उसे। मेरे पत्रकार मित्रों, आज आप लोगों को बुलाने का क्या मकसद है आपको पता ही है। आज मेरे साथ में यहाँ बैठे हैं गृह सचिव और शिक्षण संस्था के चेयरमैन। इन दोनों के ऊपर एक लड़की के साथ जबरदस्ती करने का आरोप लगा है। अगर इस लड़की के द्वारा लगाए गए आरोप सच है तो इस बाबत हमारी सरकार गंभीर एक्शन लेगी। सत्य की जांच के लिए हमने एक कमेटी बनाई है। मिनिस्टर सर, आपकी कमेटी का फैसला आने तक तो आपकी सरकार बदल जाएगी, आपकी सरकार तो है सिर्फ 2 साल की मेहमान। कमेटी की बैठक बुलवाना एक दिखावा है। आज तक कितनी बैठकें हुई, कितने सरकारें आई और चली गईं, सिफारिश से सरकार नहीं चलती है, इसका कुछ जवाब है आपके पास? अधिकार जिन लोगों के पास है वही सब लोग अपराध कर रहे हैं। आरोपी ही सरेआम अपराध करके कहता है कि मैं बेकसूर हूं तो हम क्या करेंगे? पुलिस वालों के सामने अपराध होता है मगर वो खामोश रहते हैं। मैंने एक फैसला लिया है, 3 महीने के लिए मैं शहर के आईजी को सस्पेंड करता हूँ। अब इसके आगे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा मैं आप लोगों को भरोसा देता हूँ। मतलब मिनिस्टर साहब, आप अपराधी को बेकसूर साबित कर देना चाहते हैं? रेप हुई लड़की के पिता का पता भी नहीं है और आप ये केस क्लोज करवाना चाहते हैं? वर्दी के ऊपर आरोप लगा है, वो अपराधी नहीं, अपराधी नहीं, अपराधी नहीं, अपराधी नहीं। Thank you.
आज शाम को मैं कैबिनेट की मीटिंग बुला के होम मिनिस्टर से इस्तीफे की मांग करूंगा। आज सब प्रिंट देना है और कोई हेडलाइन भी नहीं मिल रही है, क्या करूँ क्या करूँ। अरे तुम लोग क्या क्या रिपोर्ट लेके आए हो, जल्दी बताओ उस्ताद। सर, राज्य में जो भ्रष्टाचार का माहौल फैला हुआ है उसके लिए मैंने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिससे पेपर को फायदा होगा। चुप कर, हे भगवान। बेटी तुम्हारी रिपोर्ट क्या है? कावेरी नदी के किनारे बसे किसानों की खेती के डिटेल्स पर मैं रिपोर्ट तैयार कर रही हूँ। कावेरी, और तू क्या लाया? सर, एक आदमी अपनी तबीयत ठीक करने के लिए सुबह उठने से पहले और रात को सोने तक क्या क्या खाना चाहिए और कितने बार खाना चाहिए, जैसे कॉफी, टी, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, फल फ्रूट, कितने टाइम और कितने बार खाना चाहिए, ये सब डिटेल निकाल के लाया हूँ सर। ए चुप रहो। ए, पेपर को आगे बढ़ाने का प्लान है या मेरे न्यूज़पेपर को बंद करने का प्लान है? अरे तुम लोग इतनी बकवास रिपोर्टिंग करोगे तो लोग मेरा पेपर कैसे खरीदेंगे? हाँ, पब्लिक को रोज नई न्यूज चाहिए। कावेरी, तू बर्फ या खाने के बारे में लिखती रही तो हो गया काम, और ये साला टकला ये तो बस खाने के बारे में लिखता है, कब खाना चाहिए क्या खाना चाहिए, ऐसा ही चलता रहा तो हमारी पत्रिका बंद हो ही समझो। तुम्हें पता है लोगों को गरम गरम न्यूज चाहिए, जिससे दिन भर वो आपस में डिस्कस करते रहे। बड़े बड़े लोगों की न्यूज लाओ, उनकी पर्सनल बातें छापो। अरे ये अपना इंद्र कहाँ चला गया, हमारे ही कंपनी में है या कहीं और चला गया? May I come in, sir? Yes, come in. एक्सेलेंट, मुख्यमंत्री की बेटी है इसका उसको घमंड है, लेकिन ये बताओ तुमने ये सब शूट कैसे किया? ये मेरा लाइटर है, ये मेरा मोबाइल फोन भी है, इसमें डिजिटल कैमरा भी है, सब इसी से शूट किया। वेरी गुड, हमारे गॉसिप एक्सप्रेस की ये सबसे बड़ी कवर स्टोरी होगी। एक्सक्यूज मी? यस। मैंने जर्नलिज्म किया है और मैं आपके प्रेस में न्यूज रिपोर्टर की नौकरी करना चाहती हूँ। चीफ मिनिस्टर की बेटी यहाँ काम मांगने आई? बाप रे, लगता है मुझे मेरा पेपर बंद करना पड़ेगा, क्या होगा? आइए आइए आइए, देखिए ये मेरा ऑफिस नहीं है, ये तो आप ही का ऑफिस है, देखिए ये आप ही के लिए चेयर है। अरे बाप रे बाप, चीफ मिनिस्टर की बेटी यहाँ काम करेगी? कल से सारे रिपोर्टरों की रिपोर्टिंग मैं आपको ही करूँगा, आप जो बोलोगी वही होगा, आप जो बोलोगी वही पब्लिश होगा, मैं आपका दास हूँ दास। सर, पर मेरी कवर स्टोरी। क्या कहा? तुम्हारी वो कवर स्टोरी ना, रुको बताता हूँ। उसके लिए तो एक अच्छी जगह है, वो है ये। सर ये क्या तरीका है, इतनी मेहनत से मैंने वो स्टोरी बनाई थी,
और आपने उसे डस्टबिन में डाल दिया। ए, मैंने तुझे क्या बोला था? मैंने कहा था स्पोर्ट्स की खबरें लेके आ, लेकिन तू तो साला खुद को बहुत बड़ा रिपोर्टर समझने लगा। बैठिए मैडम बैठिए। सुनो, स्पोर्ट्स की खबरें तो केवल स्पोर्ट्स की खबरें। जिसकी रिपोर्ट लाने को कहा उसी की रिपोर्ट लाओ, जितना कहा गया उतना ही करो, दिमाग मत लगाओ। बस अब और नहीं। क्या है ये? प्यारी प्यारी कितनी प्यारी तू।
सबसे प्यारी। हो गया। ये पोजीशन बड़ी कष्टदायी है। रामनाथ सर, ये गांधी टोपी संभाल के रखो, अगले 15 अगस्त पे काम आएगी। और हाँ, लोकल पेपर से लेकर नेशनल न्यूज़पेपर तक हमारी ये तस्वीर कल छप जानी चाहिए, समझे? ओके सर। क्या सिली मेंटालिटी है आपकी पापा? क्या हुआ बेटा? ये सब चरखा वरखा देखकर हमारे जनरेशन को तो खादी से एलर्जी हो गई है। ये फोटो पब्लिसिटी सब ओल्ड स्टाइल है, देशभक्ति तो मन में होनी चाहिए। मेरे मना करने पर भी तू पत्रकार बनी, क्या हासिल हो गया तुम्हें? आपके लिए गुड न्यूज है, मुझे गॉसिप एक्सप्रेस में न्यूज रिपोर्टर की नौकरी मिल गई। क्या? चीफ मिनिस्टर की बेटी एक छोटे से पेपर में काम करेगी? मैं ही एक न्यूज़पेपर शुरू करता हूँ, उसको संभालो। सॉरी डैड, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। बाय। छे, खुद के पैर पे खड़ा होना है, क्या बकवास है। पैंट खरीदनी है ना? शॉर्ट्स भी ले ले। अच्छा लग रहा है, मुझे पैंट चाहिए। मुझे भी पैंट चाहिए। पहले इसका अच्छे से अपना साइज तो पता कर ले। साइज सर? 34। मेरे भी 34 है। प्लस 20। बेस्ट क्वालिटी एंड कंफर्टेबल है सर। वेयर इज ट्रायल रूम? यस सर। हेलो, ओ गॉड, एक्सक्यूज मी, सुनो मिस्टर। अंदर कोई है? हाय। हाय। ओ सुपर। इसलिए तो बोलते हैं, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। शट अप। अरे ये कौन से पैंट पसंद किए तूने? पैंट नहीं है, ये तो एलिफेंट है। ये पैंट वाला एलिफेंट उधर है। ए, ये तो मेरी पैंट है। तूने मेरी पैंट पहनी है, चल उतार। ए मोटू, तेरा बैग तो चलेगा पर अपनी जिप तो बंद कर ले। हाय शंकर। हाय। क्या बात है, बहुत सीरियस लग रही हो। टाइपिंग करते समय स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, पहले एक बार की थी। कुमार एक्टेड विद जया इन सिक्स फिल्म्स लिखने की बजाय कुमार एक्टेड विद जया इन सेक्स फिल्म लिख दिया था। That is the only mistake I have made in my entire professional career. अच्छा, एक और भूल गई क्या? एक बार तूने घाम पीड़ित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की मीटिंग है लिखने के बजाय काम पीड़ित प्रदेश में चीफ मिनिस्टर की मीटिंग है ऐसा लिख दिया था। ओ, क्या शंकर, तुझे भी चश्मा लग गया क्या? हाँ, इनकी उम्र थोड़ी कम है, सिर्फ 58 के हैं। अगर शंकर जी गवर्नमेंट के जॉब में होते तो इन्हें तो रिटायरमेंट होने के बाद ही प्रमोशन मिलता पक्का। हेलो, जर्नलिज्म में प्रमोशन मिलता है उम्र से नहीं, हुनर से, राइट सर? व
भक्ति से, न्याय से, नीति से, कर्तव्य से अच्छे से बात करना, समझ गया ना? ओके, गुड लक। वो तुमको जितनी बार भी फोन करे तुम यही जवाब देते हो, तुम सुधरने वाले नहीं हो। आगे वो क्या करेगा मुझे पता नहीं। मुझे टीचर टीचर बोलते रहते हैं, इसीलिए समझाता रहता हूँ। हाय अंकल। हाय डैड। आप दोनों बड़े खुश लग रहे हो। यस माय बॉय, गुलबर्गा में एक अनाथ को पढ़ाता था, आज वो एसीपी बन गया है। और एक तू है। क्या हुआ डैड, मुझे क्या हुआ है? गॉसिप एक्सप्रेस में काम कर रहा हूँ। क्या लंकेश, ये इधर उधर क्यों काम कर रहा है? अपनी पत्रिका में काम कर सकता है। नहीं नहीं, थोड़े दिन और काम कर लेने दो, तकलीफ क्या है, बाद में सब इसे ही संभालना है। डैड लेक्चर देना बंद करो। ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। हैप्पी बर्थडे डैड। मुझे खुश करने के लिए लाया है। डैड आपको स्कॉच पसंद है, इसलिए मैंने आपको ये गिफ्ट दिया। थैंक यू। तेरा काम कैसा चल रहा है? जर्नलिज्म चल रहा है डैड। दूसरे के यहाँ काम करने के बाद सब ऐसा ही बोलते हैं, और ईमानदारी से करोगे तो अहमियत पता चलेगी। पत्रकारिता में आने के बाद ही मैं समझ गया था कि जो काम करने जा रहा हूं वो इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। बिना कष्ट के कोई काम नहीं होता, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए, क्योंकि सबसे जरूरी धैर्य ही है। जेल जाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए, कोर्ट कचहरी तो लगा ही रहता है, गुंडों से भी पाला पड़ता है। एक बार मुझे मारने की कोशिश की गई, उस वक्त बहुत छोटा था। सुन रहा है कि नहीं तू मेरी बात? कर सकते हो कि नहीं ये सब तुम भी? बोलो डैड। जब आपने पत्रकारी शुरू की तब आपकी एज क्या थी? पैशन में कर रहा था, उम्र के बारे में नहीं सोचा, बस मेरे अंदर एक जिद थी, बस आगे बढ़ता गया। फिर नाम हुआ तो लोग आगे पीछे भागने लगे, हर तरह के लोग मेरे पास आते थे, कभी अच्छे लोग कभी बुरे लोग, इसीलिए हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। अगर दोस्त नाराज होते हैं तो भी चलेगा, अकेला रह जाए तो भी सच्चाई का साथ मत छोड़ना, क्योंकि अंत में सत्य की ही विजय होती है। हो सकता है कि थोड़े समय के लिए झूठ जीत जाए, लेकिन उस बात से विचलित नहीं होना चाहिए, और वही एक सच्चा पत्रकार होता है जो हमेशा सच का साथ दे। भाई मेरी बात सुन रहा है कि नहीं? सुन रहा हूँ डैड। डैड आपका बर्थडे आता है 8 मार्च को, और इसी दिन आपने पत्रकारी भी शुरू की। 8 मार्च। सर क्या हुआ, आपने बुलाया सर? लंकेश क्या है ये सब, क्या है? अरे आपको न्यूज लेके आने को बोला तो आप ये क्या लेके आ गए? ये कंट्रोवर्सियल आर्टिकल है, हम इसमें फंस सकते हैं। सर सच को सामने लाना है तो कंट्रोवर्सी तो होगी ना, रिस्क है, फेस तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारी कंट्रोवर्सी को फेस कर करके मैं बहुत थक गया हूँ, हर 3 दिन में पुलिस कोर्ट मंत्रालय। तो उससे क्या हुआ सर, ये सब होने के बाद ही अपने पेपर का सर्कुलेशन 30 लाख से ऊपर पहुँच गया है सर। अच्छा ये सब तुम्हारे कंट्रोवर्सी से हुआ? नहीं, सच्ची पत्रकारिता की वजह से। फिर तुम तनख्वाह का क्या करोगे? हाँ तुम अपना ही पेपर क्यों नहीं शुरू करते? करूंगा सर, जरूर करूंगा। अगर सच्चाई का साथ आप नहीं दे सकते हैं तो मैं इस पेपर के साथ काम नहीं कर सकता सर, अपना इस्तीफा भेज दूंगा। ए, ए, कैसा पागल आदमी है ये? ये सब क्या है? ये सब क्या श्रुति? 6 महीने से भाड़ा नहीं दिया तो घर मालिक ने सब सामान बाहर फेंक दिया। पापा मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं हूँ, कुछ नहीं। इतने से पैसे मिलते हैं और दिन में 6 घंटा ड्यूटी करते हैं, न्याय और धर्म के लिए आप ये काम करते हैं ना? आपकी ईमानदारी की वजह से आज हम लोग फुटपाथ पर आ गए हैं। श्रुति तुम हिम्मत मत हारो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हो गया, क्या हुआ श्रुति? चलो
हॉस्पिटल चलते हैं। दर्द हो रहा है। चलो। और ये सब। अरे जाने दो उसे। तुम चलो। आ जाओ। आ जाओ। आराम से, आराम से। चलो। बस पहुंच गए, पहुंच गए। ऑटो, ऑटो। घबराओ मत बेटा, चलो। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं ऑटो लेकर बैठो, मैं ऑटो लेकर आराम से। बेटा तुम भी बैठो, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। हेलो, स्टॉप स्टॉप, हॉस्पिटल जाना है, जरा हेल्प करेंगे क्या? मेरी बेबी की तबीयत खराब है, प्लीज प्लीज हॉस्पिटल छोड़ दीजिए, प्लीज मेरी मदद कीजिए। हेलो, सुनिए जरा, मुझे मदद चाहिए, सुनिए। क्या हुआ श्रुति? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें दर्द हो रहा है श्रुति? मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ वो गाड़ी शायद मिल जाए। हेलो हेलो हेलो, सुनिए सुनिए, हेलो हेलो हेलो, सुनिए सुनिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी बेबी की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हेलो हेलो, मेरी मदद कीजिए प्लीज, हॉस्पिटल छोड़ दीजिए। हेलो श्रुति, श्रुति, श्रुति। जिस दिन तेरी मां की मौत हुई वो भी 8 मार्च ही था। मेरी पिछली शादी में बहुत मजा आया। हाय इंद्री। हाय। आप इतने लेट हो गए? हाँ हो गया, वैसे भी शादी वाले घर में हमारा क्या काम है, इसलिए मैं आराम से आया। आराम से आए? इतनी सारी लड़कियां हैं, लाइन मारो। एक्सक्यूज मी, मैं लाइन मारूं क्या? क्या कहा? लाइन मारूं क्या? पहले अपनी जिप लगा के आ। हे लता, शादी के वजह से नर्वस हो क्या? ऐसा कुछ नहीं है, सुहागरात क्या होता है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। ओह, वो मैं बताती हूँ। वाह क्या एक्सपीरियंस है। कम ऑन, मूवी में नहीं देखा क्या? सुहागरात को अपने रूम को अच्छे से डेकोरेट करना चाहिए, बेड पर गुलाब बिछाने चाहिए और एक तरफ फूल और दूसरी तरफ फ्रूट रखने चाहिए, और पति पूरी रात अपनी बीवी के चक्कर लगाते रहता है। मुझे तो देखते ही वो भाग जाएगा। इसका मतलब उसकी सुहागरात नहीं होगी। ओके ओके कंटिन्यू। उसके बाद बीवी अपना सर झुकाकर दरवाजा खोलकर अंदर आती है, पति सामने खड़ा रहता है। तू इधर आ, समझ तू लड़का है। हाथों में दूध है, होठों पर स्माइल है और दिल में आस है, आंखों में शर्म है, डर के मारे वो अपनी एड़ी घुमाने लगती है। पति और नजदीक आ जाता है, पत्नी उसे दूध का ग्लास देती है, पति एक घूंट पिएगा, उसके बाद पत्नी एक घूंट पिएगी, पति फिर एक घूंट पिएगा और पत्नी फिर एक घूंट पिएगी। ए, उसको देख के कुछ सीख। उसके बाद ग्लास नीचे रख देता है और अपने हाथों से पत्नी का चेहरा छू लेता है, उसके बाद होठों को नजदीक ले आता है, यू स्काउंडरल। अरे बैठ जा की। शट अप। हम तो
क्यों चाहे रे, हम तो मजे लेंगे, चमके हम तो मजे लेंगे। आ दिन में ना ख्वाब देखो, तुम क्या जानो दिन में ना ख्वाब देखो। आजा रानी मैं हूँ तेरा जानी, नखरे तू काहे को हमको दिखलाती। तुझको मैं कहती हूँ छोड़ो तू मजनू है सीधा, मैं कर दूंगी मैं तो ना घबराती। हम तो मजे लेंगे, हम चमके हम तो मजे लेंगे। अरे अरे दिन में ना ख्वाब देखो, तुम क्या जानो दिन में ना ख्वाब देखो। पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाने की बजाय यहाँ लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो। पेट्रोल डलवा लिया है तो खिसक लो यहाँ से। Oh!
इंद्र के जन्मदिन पर एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ जो हमारे ऑफिस के लिए बहुत खुशी की बात है। अगले हफ्ते हैदराबाद में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में इंटरनेशनल लेवल पर सेमिनार हो रहा है। वहाँ पर देश के बड़े बड़े लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं और हमारे ऑफिस से इंद्र और प्रीति हिस्सा लेने वाले हैं। One second. A small gift. Happy birthday. Thank you. क्या है इसमें? मोबाइल फोन। इसे स्विच ऑन करो। इस मोबाइल में कैमरा भी है। तुम्हें इसकी ज्यादा जरूरत है। मैंने अपना फोटो भी इसमें सेव कर दिया है। जब तुम मुझे कॉल करोगे तो मेरी फोटो दिखेगी। अगर तुम्हें फोटो पसंद आई तो रखना, नहीं तो डिलीट कर देना। डियर फ्रेंड्स, आज की इस इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए देश के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए पत्रकारों में किसको ये पुरस्कार मिलेगा वो पत्रकार बहुत ही खुशकिस्मत होगा। अभी आप सबके सामने देश भर से आए सभी राज्यों के पत्रकार अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। पब्लिक को जागृत करने वाले हमारी पत्रकारी को ज्यादा लोग पढ़ते नहीं थे, पर अब इस पत्रकारी को संस्कृत में भी शुरू करने की सोच रहे हैं। हेल्थ लॉस्ट इज नथिंग लॉस्ट, वेल्थ लॉस्ट इज समथिंग लॉस्ट, बट मोरालिटी लॉस्ट इज एवरीथिंग लॉस्ट। बढ़ते रहने का मतलब ही है पत्रकारी। अपने देश से ब्रिटिश लोगों को भगाने के लिए और अपनी आवाज एक करने के लिए हमारे देश में पत्रकारिता शुरू हुई थी। आज भी देश प्रेम बढ़ाने में हमारे सारे पत्रकार भाइयों का महत्वपूर्ण स्थान है। आज का दिन सिर्फ हम पत्रकार लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि सबके लिए है। इस देश के वकीलों को उनके अच्छे कार्य के लिए सम्मानित भी करना चाहिए। इतना ही नहीं, देश के जजेस को भी अच्छे कार्य के लिए सम्मानित करना चाहिए, तभी ही हम आगे बढ़ेंगे। हमारा देश जितना अच्छा है हम उसे और अच्छा बना सकते हैं। अगर अमेरिका की मिलिट्री वेल ट्रेन्ड एफिशिएंट है तो क्या हम अपने देश के सिपाहियों को उस देश की सुरक्षा के लिए उनकी मिलिट्री में अपने सिपाही भेजेंगे? बिजनेस से इंपॉर्टेंट आज अपना देश है। रिपोर्टर इंद्र और प्रीति की बात का मतलब पत्रकारिता ही श्रेष्ठ है। प्रेस काउंसिल की तरफ से मैं इन्हें ये रिवार्ड देता हूँ।
जल रहा, तू है साथ तन मेरा पिघल रहा, दिल मेरा तो अब नहीं संभल रहा, कैसा कैसा वहाँ प्यारा, मैंने तन बदन हारा, तुम ना मुझे रोको आज कुछ तो होगा, कुछ होगा, I need you, मुझे
हेलो। हाय डैड। ओ हेलो इंद्र, हाउ आर यू माय सन? फाइन थैंक यू डैड। आज मुझे सेमिनार में अवार्ड मिला। इज इट? कांग्रेट्स, वेरी गुड। बट आई एम नॉट सरप्राइज। पूछो क्यों? क्यों? आफ्टर ऑल तो बेटा किसका है? थैंक यू डैड। डैड आज आप थोड़ा परेशान लग रहे हो। एडिटोरियल में थोड़ी टेंशन तो रहती ही है। वो क्यों? पत्रिका में प्रिंट करना है पर कोई कवर स्टोरी नहीं मिल रही है मुझे। मेरे पास एक अच्छी वाली सेंसेशनल स्टोरी है, आपको चाहिए? जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन। हेलो सर, मैं गीता बोल रही हूँ। सीएम के रिलेटेड मुझे एक स्कैंडल मिला है, आप जल्दी आ जाइए सर। हाँ सर, हम अभी निकलेंगे। हाँ। तो ही उन तक पहुँच पाएंगे। हाँ ठीक है सर, प्लीज जल्दी। हाँ। आ जाइए। हाँ सर, 10 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, कहीं जाना नहीं। हाँ सर। इंद्र, अर्जेंटली बाहर जा रहा हूँ, कल फोन करता हूँ। ओके बाय। अरे नटराज, कवर पेज छोड़ करके बाकी सब तैयार कर दे। राइट सर। एक इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आता हूँ। सर कोई बड़ा स्कैंडल है? सीएम से रिलेटेड है, एक घंटे में आता हूँ। हेलो। हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। बैंगलोर के रिंग रोड में 3 एकड़ के प्लॉट में बायोटेक्नोलॉजी पार्क बनाना चाहते हैं, उसी के बारे में बात करना चाहते हैं। We use it for biotechnological experiments for 2 years. That's just an eyewash. Later on, we'll convert it into industrial town. All multinational companies from European countries will invest here. इसलिए हमने आपके सीक्रेट स्विस बैंक अकाउंट में 60 करोड़ जमा कर दिए हैं। दिस इज योर रिसीट। ये वही एग्रीकल्चर लैंड है जिसमें मेरे किसान भाइयों का हक है, वो किसानों की तरक्की के लिए है। कोई और दूसरी जमीन चाहिए तो बोलो। 100 एकड़ के प्लाट की जगह मैं 200 एकड़ का प्लाट दिलवा सकता हूँ। But we want that particular land as it is situated in the middle of the city. चलिए ठीक है, हम आपको 80 करोड़ ऑफर करते हैं। Within 2 months, the deal will be finished. Okay, please try. I'm sorry. अगर पत्रकार लोगों को भनक भी पड़ गई तो मेरी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। इतने स्मॉल अमाउंट के लिए मैं इतनी बड़ी रिस्क क्यों लूं? I'm sorry. We can offer you rupees 100 crores if you are interested. Here is the DD and agreement. And that's the final offer. Thank you very much. Sir, CD. Thank you. हमारी पत्रिका में इस बार की कवर स्टोरी यही होगी। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर लंकेश, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं आप? प्रेस, पुलिस, इस समय आखिर कहाँ जा सकते हैं? मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपको पता रहना चाहिए। आयजी साहब, किससे मिलने? कल का पेपर देख लीजिएगा।
देखो तुम्हारे गाड़ी का सर्च वारंट है मेरे पास। वारंट दिखाइए फिर सर्च कर सकते हैं आप। पैसा खाकर घर पे सोते रहने वाले अगर आज रोड पर हो तो कोई खास बात जरूर है। अरे पॉलिटिशियन के तलवे चाटना बंद करो तुम लोग। मिस्टर लंकेश माइंड योर लैंग्वेज। शट अप आईसेट। तुम लोगों पे रत्ती भर भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे तुम लोग अपनी ड्यूटी पे कलंक हो। गली गली में क्राइम हो रहे हैं, रास्ते पे मर्डर हो रहा है, कहीं भी लड़कियों के साथ रेप करके उनका गला काट के उनको खत्म कर दिया जाता है, लेकिन तुम लोग के कानों पे जू तक नहीं रेंगती। दिन रात चमचागिरी में लगे रहते हो जो। अच्छे से समझा रहा हूँ मैं तुम्हें, मेरी पेन की ताकत का अंदाजा नहीं है तुम्हें। देखो इज्जत से मेरा कॉलर छोड़ दो। सभी को ज्ञान देने वाले पत्रिका संपादक, बुद्धिजीवी, बुद्धिमान मिस्टर लंकेश, क्यों ये सब कर रहे हैं आप? लाओ वो सीढ़ी मुझे दे दो। अरे संपादक तुझे कितना पैसा चाहिए रे? सिर्फ पैसों के लिए तुझ जैसा भ्रष्ट नेता जिंदा रहता है, मेरे जैसा पत्रकार पैसों के लिए नहीं जीता। हमारे किसान इतने गरीब हैं, खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी के संसाधनों का जुगाड़ तक नहीं कर पाते, वो लोग गाय को चारा तक नहीं दे पाते, खाने के लिए ठीक से खाना नहीं है, पीने के लिए ठीक से पानी नहीं है। पैसे खाकर बायोटेक्नोलॉजी के लिए तुमने परमिशन तो दे दी है, लेकिन गरीब किसान की मेहनत का उसे क्या मिलेगा इस बारे में तुमने सोचा? मल्टीनेशनल कंपनी के लिए तुमने देश को बेच दिया, क्या बात करूं मैं तुमसे? सरकार गरीब इंसानों के लिए भगवान की तरह होती है, लेकिन वोट के लिए तुम लोग उन्हीं का खून चूस रहे हो। क्यों, क्या इतनी भी इंसानियत नहीं है? मानवता खत्म हो गई है क्या? इस देश में इतने भ्रष्टाचारी लोग हैं, लेकिन फिर भी वो इस देश के बारे में सोचते हैं, लेकिन तू तो उनसे भी नीचे गिर गया है, और तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करूंगा? इस बात की बिल्कुल उम्मीद मत करना तुम मुझसे। इस देश के उद्धार के लिए मैं तुम्हारी सच्चाई जनता के सामने लाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे जैसा राक्षस देश के बारे में क्या सोचता है सिर्फ कर्नाटका नहीं बल्कि पूरे देश को पता चलना चाहिए। इस पेन से तुझे इस देश की सत्ता मिली है, तुझे इस पेन की ताकत का अंदाजा नहीं है। चलो गीता बैठो। मिस्टर लंकेश। ओहो, पेन की ताकत ने मुझे इतनी हिम्मत दी है कि बंदूक भी मेरी जान नहीं ले सकती। जब गन सामने आ जाती है तो कलम की स्याही सूख जाती है। प्रवचन देना बंद करो। तुम्हें यहाँ रंगे हाथ पकड़ने आया हूँ, खाली हाथ नहीं आया हूँ। मैं तुमसे यहाँ मिलने आया हूँ ये बात पूरा स्टाफ जानता है। तू अगर मुझे मारेगा तो तुझे जेल हो जाएगी। बेहतर यही है कि यह खबर पेपर में छपने से पहले इस्तीफा देके घर चला जा। तू भी बच जाएगा, देश भी बच जाएगा। डियर रिपोर्टर्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात को 12 बजे लंकेश पत्रिका के संपादक और ओनर मिस्टर लंकेश और उनके साथ में रिपोर्टर गीता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। ये खबर आप सब लोग अपने अपने न्यूज़पेपर में छाप सकते हैं।
बीच रास्ते में किसी ने भी गाड़ी की डिक्की को टक्कर नहीं मारी है, तो ब्लास्ट हुई कार का एक्सीडेंट हुआ आप कैसे बोल सकते हैं? अगर पेट्रोल टैंक फटा तो टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। झूठ, इसके पीछे सरकारी लोगों का हाथ ऐसा सुनने में आ रहा है। कार ब्लास्ट में जो बम मिला था उससे कुछ क्लू मिले हैं, सही है? अरे राष्ट्रवादी राघवेंद्र, तुम्हें ये सब टाइम बम बोलने के बाद याद आया? तुम्हारे हाथ में जो राडो घड़ी है बराबर चल रही है ना? वो घड़ी तुम्हें मिस्टर बीके देव कुमार ने दी थी ना? यस यस, पेट्रोल टैंक ब्लास्ट हुआ तो टाइम बम से भी खतरनाक होता है, आपने सही कहा। यू आर परफेक्टली करेक्ट, हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट भी वही बोल रही है। और ये रही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और ये है बॉम्ब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, इसे कोई भी देख सकता है और जब चाहे आके फिर देख सकता है। वेल, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। सर, परफेक्ट है ना? अचानक एक्सीडेंट में संपादक की अकाल मृत्यु। नो सर, नटराज सुन, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पुलिस कमिश्नर ने प्रेस मीटिंग में एक्सीडेंट है ऐसा स्टेटमेंट दिया है, एफआईआर में और पोस्टमार्टम में एक्सीडेंट है ऐसा प्रूफ हो गया है। ये सब झूठ है, हमारे एडिटर इन चीफ ये कहकर गए थे कि उनके हाथ सीएम के स्कैंडल का एक बहुत बड़ा प्रूफ आ गया है। मतलब बीच रास्ते में किसी ने उनका मर्डर कर दिया? सर, सच क्या है ये बात पुलिस कमिश्नर को भी पता है। हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है। जब कोई सबूत ही नहीं है तो कोर्ट कौन ले जाएगा? तुम ले जाओगे या फिर आप? यू कंट्रोवर्सी करना छोड़, एक काम कर, इसे प्रिंट में भेज दे। पत्रकार वो नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोला उसे सुन के वो वही लिख देगा। अपने हाथों में जान की बाजी लेकर हम सच्चाई को ढूंढते हैं। बस पत्रकारों के साथ रहकर पत्रकारों का ही नाम बदनाम कर रहे हो। अपने बॉस को तो न्याय नहीं दिला पाए, अब किसी और को क्या न्याय दिलाओगे? न्याय की बात करते हो? ये लंकेश पत्रिका है, लंकेश मतलब समाज की सच्चाई सबके सामने रखना। ये क्या कर रहे हो अंकल? देखिए ये हेडलाइन ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क हटाओ, हाँ एक्सक्लेमेटरी लगाओ, एक्सक्लेमेटरी। आंसू क्यों बाहर आए बेटे? बेटा तू तो दूसरों के आंसू पोंछने वाला बहादुर बेटा है मेरा। तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। इस दुनिया में छोटे से लेकर मंत्री तक, वकील से लेकर सुप्रीम कोर्ट में बैठा सीनियर जज तक, एक छोटे इंसान से लेकर देश के राष्ट्रपति तक एक ही सपना है कि सब जगह सच्चाई हो, और उसे सच अगर कर सकता है तो सिर्फ एक पत्रकार ही सच कर सकता है बेटा। इतनी ताकत है पत्रकारिता में। तू जो सोच रहा है उसे करके दिखा, निराश मत हो। पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, तलवार से ज्यादा शक्तिशाली पेन होता है बेटा। हिम्मत मत हारना, गो अहेड।
यहाँ क्यों आई? तो क्या नहीं आना चाहिए था? नहीं, दुश्मन के साथ प्यार करना मुश्किल है। प्यार के लिए तुम दुश्मन को नहीं छोड़ सकते? मतलब जिसने मेरे डैड को मारा, मैं उनको भूल जाऊं, उनको माफ कर दूं? अगर ये सच है, मेरे पापा ने ही तुम्हारे पापा का खून किया है, तो जो सजा देना चाहते हो दे सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर इसके लिए कम से कम मुझे तो सजा मत दो। लड़ाई में सिर्फ जीतना और हारना नहीं होता, जिंदा कैसे रहें वो भी सोचना पड़ता है। सच लिखने के बाद भी मेरे डैड को मार डाला, हम दोनों को कोई नहीं मारेगा, इसकी क्या गारंटी? तुम्हारे डैड को मैं मारूं या फिर वो मुझे मारे, तकलीफ तो तुम्हें ही होगी, इसीलिए अपने प्यार को एक सपना समझकर भूल गया। तुम्हें भूल जाने से तो अच्छा है कि मैं मर जाऊं। प्रीति, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए इंद्र, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी। आई लव यू, आई लव यू। मुझे जाना होगा। पत्रकार मिला तुम्हें प्यार करने के लिए, मैं सीएम हूं। पापा प्लीज। आ! तुम्हें मेरी परवाह है या नहीं? जैसे घर के दरवाजे पे गंदा कचरा नहीं रखते, वैसे ही दुश्मनों से भी संबंध नहीं रखना चाहिए, ऐसे लोगों से मतलब निकालना चाहिए। समझ में आई बात? पापा ये मत भूलना कि मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। उस टुटपुंजी रिपोर्टर के साथ क्या मिलेगा? देखो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का शादी के लिए देखा, इंद्र को भूल जाओ। नहीं पापा, मैं इंद्र से ही शादी करूंगी। ओह, जिद मत करो बेटी, अगर तुमने उससे शादी की जिद नहीं छोड़ी तो उसे भी वही भेज दूंगा जहां उसके बाप को भेजा था। छी, राजनीति के लिए लोगों को मारने वाले, जब भी आपको देखती हूँ मुझे शर्म आती है। दिखाते हैं सोशलिज्म लेकिन करते हैं टेररिज्म। बेटा नहीं, आप राजनीति के लिए इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था पापा। यस, मेरी राजनीति में गंदगी है, भ्रष्टाचार है, टेररिज्म है। मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी राजनीति और नेता गंदगी के दलदल में है। हर एक एमएलए अपने फायदे के लिए फंड रखता है, और अगर कोई मिनिस्टर चाहे कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो हाईकमान से नोटिस आ जाता है। अगर हाईकमान को नोटों से भरे सूटकेस ना दूं तो मुझे सीएम की पोस्ट से निकाल फेंका जाएगा। अगर मुझे सीएम की पोस्ट बचानी है तो उन लोगों की बात सुननी पड़ेगी, हमें सब कुछ करना पड़ता है। उस पत्रकार को तुम्हें भूलना होगा, दिस इज माई लास्ट वार्निंग। रुक जाइए, अगर ये आपकी लास्ट वार्निंग है तो मैं भी सिर्फ इंद्र से ही शादी करूंगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। हेलो, ये लंकेश पत्रिका का ऑफिस है क्या? जी हाँ। रशीद है क्या? हाँ, वन सेकेंड। हेलो सर, आपके लिए फोन है। यस, रशीद स्पीकिंग। आपने जो सीएम के बारे में पेपर में लिखा है वो 100% सच है। थैंक यू। सीएम की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई, उनके खिलाफ एक सबूत है जो मेरे पास है। सच में? मेरे पास डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दे दूंगी सर। तुम कहाँ हो? बैनर श्वेता गेस्ट हाउस में हूँ सर। रूम नंबर 302। मेरी जान खतरे में है, जल्दी आ जाइए सर प्लीज। तुम वही रुको, मैं जल्दी आता हूँ। हेलो मैडम, कहाँ हैं आप? हेलो, मैडम, हेलो मैडम, हेलो,
हेलो 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 तो रू एस पी ओका पता नहीं हम ये एरिया के विधायक हैं। बड़े बड़े मंत्री एमएलए हमारे आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। कमिश्नर की हिम्मत नहीं है कि हमका यहाँ बुलावे, ये हमका बैठा के रखे है। ए, आधे घंटे से हमका यहाँ बैठा के रखे, हमका लाल भेड़ समझे का? जब वो तो रेसिपी आ जाए तो हमरे घर भेज दिया जाने। सर ये इस एरिया के एमएलए हैं। हाँ बैठ बैठ बैठ। थोड़े दिन ससुराल में रख, खिला पिला बाद में खबर लेते हैं। ओके सर, हम तो का देख ले। हेलो। हाँ रामू। हाँ यस सर। वो जो कत्ल की रिपोर्ट थी ना, उस केस को सुसाइड की रिपोर्ट बनाकर केस को क्लोज कर दो। बट सर, जितना बोला उतना करो। बचपन में ही मैंने अपनी माँ को खो दिया, पर डैड के प्यार के साए में मुझे कुछ पता ही नहीं चला। वो मेरे सब कुछ थे, मेरे गाइड, फ्रेंड, फिलोसोफर, मेरे सब कुछ। लास्ट टाइम उनको देख भी नहीं पाया, मेरे नसीब में ही नहीं था। एक बात कहूं, हमारा पत्रकार रसीद आत्महत्या कर सके वो इतना कमजोर नहीं था, उसका किसी ने खून किया होगा। इंद्र, सुसाइड की रिपोर्ट देकर केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया। सुसाइड नहीं है सर, उसका मर्डर हुआ है। और वो खून किसने किया है मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं। पुनी चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक क्लू तो छोड़ ही देता है, कितना भी बड़ा खूनी हो। वो क्लू तुम्हारे ऑफिस में भी हो सकता है। क्या? हमारे ऑफिस में? यस। सर, उस लड़की के रेप केस का क्या हुआ? ये क्या तू बार बार उस केस के बारे में पूछता रहता है? ये आयोग, ये सीबीआई मेरा कुछ नहीं कर सकती, समझे? ये ले हड्डी, चल निकाल। थैंक यू सर, चलता हूँ। मिस्टर नटराज। कौन बोल रहा है? एसीपी रामू। बोलो क्या काम था? लंकेश पत्रिका के एडिटर के मर्डर के बारे में तुमसे कुछ बातें करनी है। ए, पत्रिका का एडिटर मर गया है, एक्सीडेंट हो गया है, केस बंद कर दिया है, मालूम है ना? किधर है तू? मैं अभी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में बैठा हूँ। आई कैंट मीट यू, सॉरी। नो नो। ये तुम्हारा ही मोबाइल बिल है ना? एक महीने में तूने 10 बार सीएम से फोन पे बात की, ऐसा क्या काम था सीएम से? फोन करने वाला मैं, फोन उठाने वाला सीएम, अब तू कौन? एक एसीपी ने जर्नलिस्ट के ऊपर हाथ उठाया, कल के पेपर की हेडलाइन होगी, समझा?
एक पुलिस ऑफिसर ने एक पत्रकार को मारा तो हेडलाइन बनेगी, और अगर वही पत्रकार दूसरे पत्रकार को मारेगा तो जस्ट अ बॉक्स। जाओ ऐसी भी ना हूं, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे सामने जान से मारने की धमकी दे रहा है और तुम चुपचाप खड़े हो। सर वो क्या है कि इसके पिताजी का केस है तो। सुन, जो केस पूरी तरह दब चुका है उसे तू बार बार क्यों छल रहा है? ज्यादा दिमाग मत लगा, ऐसी जगह ट्रांसफर करूंगा तेरा जहाँ पे खाना तो दूर पानी भी नसीब नहीं होगा। क्या घूर रहा है तू? मैंने इस्तीफा दिया है पर सीएम ने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया, ये बात याद रख और इसे यहाँ से लेकर जा। चल लेके जा। सर ऐसे पत्रकार रहेंगे तो ऐसा प्रॉब्लम होता रहेगा। महेंद्र यू आर फायर्ड। सुनो पाटिल। जी सर। सीएम बोल रहा हूँ। बोलिए सर। दिल्ली से मुझे हाई कमान का फोन आया था। जी जी। यहाँ अपनी पार्टी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले हैं। ऐसा क्यों सर? गवर्नर ने हम लोगों को वोटों के ऊपर ध्यान देने के लिए बोला है। क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा सुनो, अपनी राजनीतिक पार्टी के कुछ MLA अपोजिशन पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ऐसी बात है? हाँ हाँ। इसलिए उन सभी लोगों को बेंगलोर लेकर के जाओ और उन्हें वहाँ 5-स्टार होटल में अच्छी सी पार्टी दो। ओके सर। उनकी खातिरदारी में कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ओके।
उन लोगों ने तुझसे झगड़ा किया, तू डर गया क्या? भला मैं क्यों डरूं सर, अधिकारी मेरी साइड में है, सरकार मेरी तरफ है। आई डोंट केयर सर, मुझे किसी का भी डर नहीं है। मैं दो पैग मार के बैठा था, इन्होंने कितने पैग मारे कुछ समझ ही नहीं है। सुनो, सबसे पहले एसीपी का मुंह बंद करो। उसका मुंह बंद करा सकते हैं सर, पर एडिटर के बेटे का? उसके लिए मैं हूं ना। उससे मुझे खतरा है सर, उसका जल्दी कुछ कीजिए। डोंट वरी नटराज, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी बात सुनो, इसे सही सलामत यहाँ से लेके जाओ और घर छोड़ दो। हेलो, नटराज की हत्या हो गई। व्हाट? पर कैसे? यू आर अंडर अरेस्ट। पर क्यों? नटराज का खून किया तुमने, अरेस्ट वारंट है ये। चलो मेरे साथ। अरे आप रुके, रुके साहब, रुके रुके के इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। मैं मेरी बात सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात मानिए। इंद्र ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। सर इसे छोड़ दीजिए। सर इसने कुछ नहीं किया। ओहो, ये मिनिस्टर है या आईएएस ऑफिसर? हथकड़ी पहनाओ इसे। हथकड़ी हाथ पर पहना सकते हो, पर सच्चाई पर नहीं। ए! सच्चाई क्या है वो हम बाद में पता कर लेंगे। हथकड़ी पहनाओ इसे। सर इसने कुछ नहीं किया। अंकल, हाथ पैर तोड़ दो। देख क्या है। नहीं पूछ रही हूँ, उस पे जो बैठा है उसके बारे में पूछ रही हूँ। मेरे पापा यहाँ सबकी भलाई के लिए इतनी बड़ी पूजा करवा रहे हैं, और तुम हो कि ये मक्खी वाला गुड़ लेके जा रहे हो। पूजा के लिए ये वाला गुड़ सही है क्या? तुम में इतनी भी अक्कल नहीं है? पूजा वाले गुड़ में आराम से बैठी है, अभी तुझे मजा चखाती हूँ। अब यह इनके ऊपर आकर बैठी है। तू जानती नहीं ये कौन है? पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है।
फ्लाईओवर बनाते बनाते इनका सर ही पूरा फ्लाईओवर की तरह दिखने लगा है। कितने फ्लाईओवर बने, कितने गिरने वाले हैं क्या पता? अगर यहाँ से नहीं भगाया तो तू भी फ्लाईओवर की तरह गिर जाएगी। ये कहाँ से आ गई है? ओ तो तुम इधर आकर बैठ गई। ये कौन है पता है? ये भी बहुत बड़ी हस्ती हैं, जो हमेशा ही कंफ्यूज्ड रहते हैं कौन सी फिल्म को सब्सिडी देनी है और कौन सी फिल्म को नहीं देनी है, यही कंफ्यूजन रहता है। अब बॉलीवुड में तमिल कन्नड़ा पिक्चरें चलेंगी या नहीं, इस बात का भी कंफ्यूजन रहता है। इतने कंफ्यूज्ड आदमी के नाक पर जाकर बैठी है तू। तेरी तो जय कर्नाटका। अब तू यहाँ आकर बैठ गई, तेरी इतनी हिम्मत, अब इनके सर पर बैठ के तू कबड्डी खेलेगी? तुझे पता भी है ये कौन है? सारे पहाड़ और जंगल काट काट के बैंगलोर के सभी वीआईपी लोगों को ग्रेनाइट सप्लाई करने वाले ग्रेनाइट मंत्री हैं। पता नहीं और कितने लोगों को सप्लाई करेंगे। क्या पता, तुझे तो मैं यहाँ से भगा कर रहूंगी। अब तो यहाँ आकर बैठी है, मंत्रियों का पीछा छोड़कर अब तू पंडित जी के पास आकर बैठ गई। तू जानती भी है ये कौन है? राजनीति से कमाए हुए धन का स्विस बैंक है ये। इनके ऊपर आकर बैठना शोभा नहीं देता। तुझे तो मैं क्या कर रही हो तुम? क्यों पागलों से हरकत कर रही हो? पहले इंद्र को छुड़वाओ। नो, इम्पॉसिबल। फिर तो आपकी पोल खोल दूंगी। मार डालूंगा। मरने से मैं नहीं डरती। बिल्कुल माँ की तरह, एक भी गुण मेरा नहीं। जा अपनी जिंदगी तबाह कर, जा यहाँ से। रमैया, कमिश्नर को फोन करके उसे छोड़ने को बोलो। हेलो, कमिश्नर बात कर रहा हूँ। यस सर। सीएम साहब ने कहा है उसे छोड़ दो। ओके सर। Thank you.
ऐसी भी तुम? नटराज को किसने मारा? मुझे नहीं पता। मैं सच बोल रहा हूँ। What? उसको अरेस्ट कर लिया क्या? No, no. पहले उसे ढूंढो, वो कहाँ है, फिर कमिश्नर को फोन लगाओ। अभी क्या अभी? वो बाहर आ जाना चाहिए। जाओ, जल्दी जाओ, उसे छुड़ाओ। जाओ, चलो। एसीपी रामू, प्लीज कम, हैव अ ड्रिंक। हंटिंग फॉर फॉर्मल होम मिनिस्टर, मनसुख लाल महात्रे पार्टनर, am I right? जब एक पत्रकार को तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया तो तुमने उसका मर्डर कर दिया, और वो एडिटर थे मिस्टर लंकेश कुमार, और उसे एक्सीडेंट का रूप देकर पूरे देश को गुमराह किया, और उसके बाद वो एक्सीडेंट नहीं एक मर्डर था। सिर्फ एक व्यक्ति जानता था, नटराज, और तुमने उस नटराज का भी मर्डर करवा दिया ताकि कोई सबूत ही ना रह जाए। लेकिन मैं एसीपी रामू पूरी जनता के सामने तुम्हें कुत्ते की तरह घसीट कर ले जाऊंगा। Don't kill me. You are under arrest. ये इनका पर्स। गुलबर्गा में एक अनाथ को पढ़ाता था, आज वो पुलिस ऑफिसर बन गया है। Thank you.
का घड़ा भर जाने के कारण मुख्यमंत्री की दर्दनाक मौत, ये सब क्या है? यस, कल के हमारे फ्रंट पेज पर यही हेडलाइन होगी, उसके पापों के लिए यही डेडलाइन होगी। अब तैयार हो जाइए, कवर न्यूज मैं लाके देता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? खून करने। किसका? सीएम का। अरे रे, उसको मत मारना, वो बहुत खतरनाक। क्यों, डर लगता है? डर? हाँ बेटा, डर लगता है। उस पापी को मारेगा तो तुझे भी तो जेल हो जाएगी। डर कर बैठने से कुछ नहीं होगा, जिस तरह मेरे डैड को मारा था वैसे ही कल मुझे भी मार कर कहीं किसी कोने में फेंक देंगे वो लोग। नहीं बेटा, पेन पकड़ने वाले हाथ में हथियार उठाओगे तो स्याही की जगह खूनी खून निकलेगा बेटा। यस, मान मर्यादा इज्जत वाले हाथों में अब तलवार लेकर इन गुनहगारों को मारना पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है, कांटे से कांटा निकलता है, गुंडों के लिए गुंडा बनना पड़ेगा। प्लीज सर रुक जाइए सर, ऐसा मत कीजिए सर। सर नहीं इंद्र, सर रुक जाओ बेटा, प्लीज सर रुक जाओ सर। इंद्र सर प्लीज सर, जाओ बेटी रोको उसे, वो खून करने जा रहा है, रोको उसे। किसका? वो खून करने जा रहा है, खून। लेकिन किसका? तुम्हारे पापा का। एसीपी के हथियारों की फोटो है मेरे पास, वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। ओ, तुम कहाँ हो अभी? मैं जयनगर थर्ड ब्लॉक 9 क्रॉस स्ट्रीट एसटीडी बूथ में हूँ। ओके, तुम वहीं रुको, मैं आती हूँ। जल्दी आना मैडम। Thank you.
यस प्रीति। फोटोग्राफर नवीन मुसीबत में पड़ गया है। एसीपी रामू के कातिलों की फोटो है उसके पास। सब फोटो का प्रिंट निकाल के रेडी रखो। इन लोगों को मैं देखता हूँ। जाओ। ठीक है सर। इसे यहां लगाओ, इसको यहां लगाओ। Thank you.
स्टेट के सीएम के हाथों एसीपी रामू का मर्डर। शाबाश, बाप का एहसान चुकाने के बजाय उसके सीने में खंजर भोंक दिया। मैंने आपको बहुत समझाया लेकिन आप माने नहीं। अपनी राजनीति बचाने के लिए अगर मुझे अपनी बेटी को भी मारना पड़ा। अरे अरे अरे, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। नीच है आप, अपनी एक लौती बेटी को मारने की बात कर रहे हैं आप? जिस बाप ने तुझे पाल पोस के बड़ा किया तू उसी की इज्जत उछालने चली है। कैसी बेटी है तू, नालायक। लंकेश पत्रिका से आज एक भी पेपर बाहर नहीं जाएगा, सब इधर लेकर आओ, जल्दी जल्दी। नो, आप मुझे मार सकते हैं पर सच्चाई को नहीं, सच तो बाहर आकर ही रहेगा। ए, रुक जाओ, इसे मत मारो प्लीज। ए, सारे पेपर यहाँ पे लाके रखो, जल्दी करो। रुकिए अंकल, अगर आज मैं चुप रही तो पता नहीं रामू जैसे और कितने ईमानदार लोग मारे जाएंगे। मुझे मौत से डर नहीं लगता पर आपको नहीं छोड़ूंगी। कल के अखबार में यही न्यूज छपेगी। नेगेटिव दे। नहीं, नहीं दूंगी। अंकल, अंकल को मत मारिए, आपको नेगेटिव चाहिए ना, ये लीजिए। तू मुझे मारेगी है? हिम्मत है तुझमें इतनी? कमोन कमोन कमोन, मार मार अपने बाप को, मार यहाँ, मार यहाँ, हाँ हाँ यहाँ मारना। कमोन कमोन कमोन, शूट मी, कमोन कमोन कमोन, शूट मी, अदरवाइज आई विल शूट यू, कमोन। इसकी काली करतूतों का गवाह मैं हूं और ये मुझे यहां मारने के लिए आया था, और इससे बचाने के लिए तुमने इस पर गोली चलाई। ये गन पकड़ो। सब समझ गए ना?